बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका नाम है साबूदाना एंड मैंगो डेजर्ट रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने क्रीम में एक बाउल में क्रीम डाल दी है, और ये मैंने ली है टेट्रा पैक की क्रीम 1 पैक। अब मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी विस्क की मदद से। आपने इसको तब तक फेंटना है जब तक ये थोड़ी क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए, हैवी फॉर्म में ना आ जाए। तो क्रीम को मैंने थोड़ा सा फेंट लिया, मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध डालूंगी, साथ में मैं इसको फेंटती जाऊंगी। तो व्यूवर्स, क्रीम को मैंने इतना बीट कर लिया है, ये क्रीमी फॉर्म में आ चुकी है। अब मैं इसके अंदर साबूदाना डाल दूंगी, जिसको मैंने भिगो के रख लिया था, गर्म पानी में मैंने इसको भिगोया था, और ये अब अच्छे से फूल चुकी है। ये देखें, आप देख सकते हैं। अब हम ये इसके अंदर डालते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अब हम इसके अंदर कॉकटेल डाल देंगे 3 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसके अंदर पाइनएप्पल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कॉकटेल ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अब हम इसके अंदर मैंगो ऐड कर देते हैं। 2 अदद मैंने मैंगो लिए हैं, जिनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसको मिक्स करते हैं। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, मुंह में पानी आ चुका है। इसके अंदर मैंने कोई मीठा नहीं डाला, क्योंकि हमने जो सारी चीज़ें ऐड की हैं ये मीठी होती हैं, क्रीम में भी थोड़ा मीठा होता है। तो ये मैंने ब्लैक किशमिश ली है 1 टेबल स्पून, जिसको मैंने पानी में भिगो दिया था, और ये फूल के इतनी हो गई हैं। अब ये ऐड करते हैं, इसको मिक्स करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये रेडी हो गया है। और इसकी आप फॉर्म चेक करें, कितना खूबसूरत लग रहा है, कलरफुल ये डेजर्ट है। आप इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, और मुझे दुआ में याद रखें, इसको चिल करके खाएं, और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अपने गेस्ट के आगे रखें, उम्मीद है सबको पसंद आएगा। तो इसी के साथ करते हैं अपने वीडियो का एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।